नमस्कार मित्रों, एसएससी स्टेनोग्राफर जोन में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी आशुलिप उच्च गति अभ्यास खंड एक, प्रतिलेखन संख्या 4, गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 30 सेकंड। दस सेकेंड, पांच सेकेंड, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, दसवीं पंचवर्षीय योजना पर विचार करते समय सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों ने जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं उन पर विचार किया जाना बहुत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, नौवीं पंचवर्षीय योजना का अब अंतिम वर्ष चल रहा है और इस योजना के अंदर जो चीज़ें कही गई हैं ऐसा लगता है कि उसके अंदर परिवर्तन करना कठिन है, बदला भी नहीं जा सकता। अध्यक्ष महोदय, कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, उसके अंदर आज भी कुल कितना खर्च है यह तय नहीं किया गया, केवल कटौती ही निश्चित की गई है। शुरू में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ सदस्यों ने जो यह प्रश्न उठाया था कि इस पंचवर्षीय योजना का आशय कुछ सरकारी पक्ष से भी बताया है, इसके अंदर कमियाँ हैं और बहुत सी कमियाँ हैं जिनके ऊपर मैं यहाँ कुछ दोषारोपण नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता भी हूँ कि इस तरह से प्रश्न न उठाए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। यह योजना सरकार ने बनाई है, यह योजना मंत्रिमंडल ने पहले बनाई और अनुमोदन होने के बाद भी इसमें कुछ कमियां रह गई हैं, तो यह कमी रहने का दोष किसके ऊपर है? मैं समझता हूँ सदन के सभी सदस्य इसको जानते हैं। बहुत से लोगों ने दिल्ली के प्रश्न उठाए जो दिल्ली के साथ अन्याय किया गया है, तो मैं समझता हूँ इस बारे में सब आवाज़ उठाएं, इस बात की आज ज़्यादा ज़रूरत है। मैं यह कहना चाहता हूँ भारत सरकार से या जिन्होंने ये सारी योजनाएं बनाई, उन्होंने वास्तव में यहाँ के साथ बड़ा बुरा किया, यहाँ के साथ अन्याय किया, क्योंकि उन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को बनाते समय ध्यान नहीं दिया कि क्या योजना बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं या सही बना रहे हैं, इनसे क्या लाभ हानि होगा, इन सब बातों पर उन्होंने विचार नहीं किया। तो मैं समझता हूँ ऐसी परिस्थितियों के अंदर यह बात ठीक नहीं है, ऐसी दशा में
यहाँ पर 5 वर्षों में आने वाली योजनाएं बेकार बनकर रह जाएंगी। जो कटौती निश्चित की गई है उसको समाप्त करना चाहिए ताकि दिल्ली को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श नगर बना सकें। यह बहुत ही आवश्यक है यदि हम इस स्थान की उन्नति चाहते हैं। इसलिए अब मैं अपना कथन इन शब्दों के साथ ही समाप्त करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 10वीं पंचवर्षीय योजना पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे कम समय दिया, इसके लिए भी आभारी हूँ। अभी मेरे से पूर्व कुछ सदस्यों ने हम पर यह आरोप भी लगाया कि हम योजना में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने तो यह भी कहा कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी उनको इस बारे में कुछ नज़र नहीं आया। मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने कोई दूसरा घोषणा पत्र देखा, गलत घोषणा पत्र पढ़ा और उसी को हमारा घोषणा पत्र समझ बैठे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा घोषणा पत्र इस समय मेरे पास है। इस घोषणा पत्र में हमारी घोषणा में योजना के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम योजना पर विश्वास रखते हैं। लेकिन ऐसी योजना पर विश्वास नहीं रखते जो जनता के दुखों को दूर नहीं कर सकती, जो जनता के कष्ट दूर नहीं कर सकती। आज तक जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं जिन्हें हम पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना आदि कहते हैं, और उन योजनाओं में हमने जो कुछ निर्धारित किया उनसे हम जनता के दुखों को दूर नहीं कर सके और जनता के कष्ट दूर नहीं हुए। इन योजनाओं के परिणाम भी हमारे सामने हैं। बड़े बड़े अनुभवी बैठे, उन्होंने योजनाएं बनाई लेकिन योजनाएं ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं की गईं। उन योजनाओं में काफ़ी दोष थे जिसके कारण ये योजनाएं लोगों के दुखों को दूर नहीं कर सकीं, लोग दुखी ही रहे। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो हमारी योजना थी उसका परिणाम क्या निकला। उसका परिणाम यही निकला कि हमें रुपये का मूल्य कम करना पड़ा। जो योजना होती है वह राष्ट्रधन को ऊंचा करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन हमारे सामने आंकड़े हैं, इसका परिणाम हमारे सामने है। हमने अब तक 9 पंचवर्षीय योजनाएं कार्यान्वित की हैं, लेकिन हमारी
प्रति व्यक्ति आय में और जीवन स्तर में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। यह दुख की बात है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा ऐसी योजना में विश्वास नहीं है जो जनता के कष्टों को, जनता के दुखों को दूर न कर सके। हम ऐसी योजनाओं पर विश्वास करते हैं जो उनकी आयु बढ़ा सकें, उनका आर्थिक विकास कर सकें, उन्हें उन्नत कर सकें। स्टॉप। दोस्तों, यह डिक्टेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह डिक्टेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें तथा अन्य मित्रों के साथ शेयर भी करें। नए डिक्टेशंस पाने के लिए हमारे चैनल SSC स्टेनोग्राफर्स जोन को सब्सक्राइब करें तथा शॉर्ट हैंड या SSC स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम पर कोई भी चर्चा के लिए हमारे फेसबुक ग्रुप SSC स्टेनोग्राफर्स जोन में ज़रूर पधारें। धन्यवाद।